छह साल के लंबे समय के बाद जल्द ही टीवी में वापसी करने जा रही हैं मोना सिंह। पुष्पा इम्पॉसिबल में नजर आएंगी और निभाएंगी ऐसा किरदार। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। एक्ट्रेस मोना सिंह छह साल के लंबे समय के बाद जल्दी अब टीवी पे वापसी करने जा रही हैं। मोना सिंह पुष्पा इम्पॉसिबल शो में नजर आने वाली है। आइए आपको बताते हैं कैसा होगा इस सीरियल में इनका नया रोल। जस्सी जैसा कोई नहीं कि जस्सी यानी मोना सिंह टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा है और इनकी फैंस फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। हालांकि पिछले कुछ साल से मोना सिंह फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, इसी वजह से उन्होंने टीवी से कुछ वक्त का ब्रेक लिया था। अब मोना सिंह जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोना सिंह सब टीवी के शो पुष्पा इम्पॉसिबल में नजर आने वाली है। मोना ने इस सीरियल की शूटिंग भी शुरू कर दी है। वे सीरियल में एक एडवोकेट का किरदार निभा रही है और मोना सिंह और उनके फैंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात ये है कि वो पहली बार एडवोकेट के रोल में नजर आएंगी। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान मोना सिंह ने अपने किरदार के बारे में बताया कि ये कैमियो रोल है लेकिन काफी दमदार है। एक एक्ट्रेस के नाते मैं एडवोकेट डामिनी का किरदार निभाने वाली हूँ। ये पहला मौका है जब मैं छोटे पर्दे पर एक वकील का रोल निभा रही हूँ। इसी बात का फैंस को काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार भी है। मैं ये किरदार निभाने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ। दामिनी अपने काम में बहुत अच्छी है लेकिन जब वो पुष्पा से मिलती है तो घर से जुड़े केस में उसकी मदद करती है। कहानी के मुताबिक पुष्पा अनजाने में दामिनी की बेटी की मदद करती है। वहीं दामिनी को जब पुष्पा की परेशानी का पता चलता है तो वो उसकी मदद भी करती है। वेल, इतना ही नहीं, मोना सिंह ने आगे बातचीत में ये भी कहा कि दामिनी हर केस के लिए मोटी फीस वसूलती है लेकिन पुष्पा के मामले में वो फ्री केस लड़ेगी। वहीं कैमियो रोल पर मोना ने कहा, मेरे पास अभी कैमियो रोल करने का वक्त है। मैं शो का हिस्सा बनने से काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि इसकी कहानी में एक बहुत ही अच्छा संदेश मिलेगा लोगों को। वेल, आपको बता दें कि मोना सिंह का आखिरी टीवी शो कवच काली शक्तियों से 2016 में आया था। आपको बता दें कि पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक आत्मनिर्भर और एक मजबूत महिला की है। पुष्पा चौल में रहती है और अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई छोटी मोटी नौकरी करती है। वेल, मोना सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में भी नजर आने वाली है। लाल सिंह चड्ढा में मोना सिंह आमिर खान की मम्मी का किरदार निभा रही है और उनका ये मम्मी का किरदार देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा बेसब्र है। इससे पहले मोना ने आमिर खान और करीना कपूर के साथ फिल्म थ्री इडियट्स में काम किया था। लाल सिंह चड्ढा इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। वेल, जहां अब मोना का नया शो आने वाला है तो इसके लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं साथ में मोना भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि वो इस सीरियल के जरिए लोगों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाएंगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो और लाइक करना ना भूलें।